केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह चुनावी अभियान समिति के अध्यक्ष नित्यानंद राय जिले के विभिन्न प्रखंड में जनसंपर्क कर बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। पटना के आने के क्रम में गृह राज्य मंत्री का काफिला बसंतपुर गांधी आश्रम पहुंचा, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। उसके बाद काफिला जैसे ही बिंदुसार हाईवे पहुंचा तो नव उपसभापति बबलू शाह के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद नव उपसभापति बबलू शाह एवं केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला बरहड़िया प्रखंड के छोटका रोड़ा शिव मंदिर में पहुंचा। जब केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो सदर विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका और विपक्ष पर जोरदार हमला किया। दो हजार बीस के चुनाव में एनडीए 220 सीट के साथ सरकार बनाएगी। आज बिहार के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से, उनके नाम से, उनके जस से प्रभावित होकर आज नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने को खड़े हैं। बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास के काम को अंजाम दिया है। विकास देश की के मान स्वाभिमान, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए बिहार के विकास में सहयोग, हम सब के आधार पर चुनाव में जाएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज सर सिवान आए हैं, आज सरकार विधानसभा क्षेत्र में आज आपका कार्यक्रम हुआ, आज सिवान में और कहां कहां कार्यक्रम है? कार्यक्रम अध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन सिवान की सारी सीट जीतेंगे।